सब्सक्राइब करो पहले, हां जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते वीडियो देख के, सब्सक्राइब नहीं करते, लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं करूंगा, दबा दो, दबा दिया, घंटी भी दबा दे। वीडियो को लाइक कर दो, खाने खाने नहीं भूलती ना, तो ये भी मत भूलना। यार कुछ इस टाइप की वीडियो बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना पड़ेगा, और इस वीडियो को देख लेने के बाद आपको क्या करना, प्रोजेक्ट वगैरह को डाउनलोड करना, तो आपने सिंपल से मेरे साइट पे चले जाना और जिस भी वीडियो का मटेरियल चाहिए उसका थंबनेल देख के वहाँ पे मिल जाएगा थंबनेल, तो उस आर्टिकल को ओपन करके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सो मटेरियल डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना गाइस वो मैं आगे बताता हूँ, और उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार हैं, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बटन डिसलाइक कर सकते हो, सो लाइक और डिसलाइक का बटन आपके हाथों में गाइस, जो मर्जी करके जाओ, और हाँ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। सो इस टाइप की एडिटिंग करने के लिए आपको लाइट मोशन का जरूरत पड़ेगा, तो यहाँ पर मैंने लाइट मोशन डाउनलोड करके रखा हुआ है और प्रोजेक्ट भी इंपोर्ट कर लिया हुआ, ठीक है। तो आपने लाइट मोशन को ओपन करना और प्लस के राइट से मैं जो प्रोजेक्ट का ऑप्शन है, सो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट के ऑप्शन में जैसे टैप करोगे तो कुछ हिसाब से देखने को मिलेगा। सो आपको पहला बीटमार्क प्रोजेक्ट कुछ हिसाब से देखने को मिलेगा, जहाँ पे यहाँ पे लिरिक्स मैंने लिख के रखा हुआ है, बस आपको इफेक्ट वगैरह लगा के तैयार करना। तो यहाँ पे हमने 45 काम करके दिया हुआ, आपको बस फोटो वगैरह अपना डालना है। सो गाइस यहाँ पे हम क्या करना, सबसे पहले आपको कुछ इस वाले ड्यूरेशन पे आ जाना जहाँ से फोटो इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो इस वाले ड्यूरेशन में आए देन प्लस पे ऑप्शन पे टैप करें, मीडिया का ऑप्शन पे टैप करें, देन यहाँ से आपको इमेज सबको इंपोर्ट कर लेना। तो यहाँ से कुछ इस टाइप से आपको सिंपल से टैप करके इमेज सबको इंपोर्ट कर लेना, ठीक है। तो इस टाइप से हमने इमेज सबको इंपोर्ट कर लिया, देख सकते हो। और इमेज कैसे इंपोर्ट करना है, प्लस पे ऑप्शन पे टैप करें, मीडिया का ऑप्शन, अगले इमेज को सिलेक्ट करना, थीटर पे टैप करके फील कंपोजिशन एरिया, अगले बीट मार्क पे जाके कट कर लेना। सो इस टाइप से होप आपको समझ आ गया होगा, पीछे वीडियोस में काफ़ी बताया होगा, तो यहाँ ये तो आता होगा आपको गाइस, ठीक है। तो हम बता देते हैं इन पे इफेक्ट कैसे लगाना। सो उसके लिए आपको वाले प्रोजेक्ट से बैक आना, इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट को ओपन करना, और यहाँ पे इस टाइप से आपको कुछ देखने को मिलेगा, ये वाला इफेक्ट, ठीक है, ये वाला। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले रेक्टेंगल पे टैप करना, और देन डबल डबल पे टैप करके कॉपी लेयर के ऑप्शन पे टैप करेंगे, इस वाले प्रोजेक्ट से बैक आएंगे, और यहाँ पे शेक इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट में, सॉरी बिटमार्क वाले प्रोजेक्ट में जाएंगे, और यहाँ पे डबल डबल पे टैप करके पेस्ट लेयर पे टैप करेंगे, और इस टाइप से उसको सिलेक्ट करना, ठीक है, इस पर टैप करके रखना, ये सिलेक्ट हो जाएगा गाइस, और देन ये यहाँ पे स्लाइड करके एंडिंग में चले जाना, ताकि ये एंड तक नीचे आ जाए और लेयर्स के पीछे आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए आपको इस टाइप से स्लाइड करके रखना, और यहाँ पे कुछ इस टाइप से ये नीचे चले जाएगा, और ये थोड़ा धीरे धीरे जा रहा, तो यहाँ पे इस टाइप से देख सकते हो। और यहाँ पे नीचे आ जाने के बाद गाइस आपको इसको मतलब कि जहाँ तक लिरिक्स है वहाँ तक लाना, ठीक है। तो यहाँ पे लिरिक्स देख सकते हो कुछ इस वाले पॉइंट तक है, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे आ जाना, और देन गाइस क्या करना, यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे टैप करना, इस वाले ऑप्शन पे, ठीक है। तो जैसे टैप करोगे तो इस टाइप से देखने को मिलेगा, देन स्पीड वाले ऑप्शन में जाएंगे, इस वाले ऑप्शन पे टैप करके उसको यहाँ तक ले आएंगे, तो इस टाइप से आपको देखने को मिल जाएगा। देन गाइस इस पर टैप करेंगे, डुप्लीकेट एयर क्रिएट करेंगे, और देन गाइस इसको स्लाइड करके कुछ इस टाइप से आगे की ओर चले जाना, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस टाइप से आगे की ओर चले जाएंगे, तो देख सकते हैं हमारा लिरिक्स वापस से स्टार्ट हो रहा है कुछ इस वाले ड्यूरेशन से। तो यहाँ पे हम अगले ड्यूरेशन तक लिरिक्स को रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिरिक्स है, तो यहाँ पे सेंटर से कट लगाएंगे, और कट लगा लेने के बाद ये ऊपर चला गया, तो इसको हम फिर से डिलीट कर देते हैं, और इसको हम क्या करेंगे कि इसको फिर से डुप्लीकेट क्रिएट करेंगे, ताकि हमें नीचे नहीं लाना पड़े, ठीक है गाइस। देन आपको स्लाइड करके पहले देखना लिरिक्स कहाँ पे, बस ये एंड में है, तो यहाँ पे एंडिंग वाले तक आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस वाले सेक्शन तक इंपोर्ट कर लेते हैं,
तो देख सकते हो फाइनली गाइस हमारा जो है टेक्स्ट का जो इफेक्ट है बैकग्राउंड इफेक्ट वो कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे ये लास्ट में यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, तो आपको इस पे टैप करना या फिर इस वाले प्रोजेक्ट से बैक इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट में जाए और यहाँ पे इसका इफेक्ट कॉपी कर ले टेक्स्ट का, और टेक्स्ट का इफेक्ट कॉपी करने के बाद गाइस यहाँ सभी पे आपको पेस्ट कर देना। तो यहाँ पे सिंपल से टैप करके पेस्ट पे टैप करें, सिंपल से टैप करें और पेस्ट पे टैप करोगे तो ये जो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं सभी पे, इसी टाइप से आपको भी पेस्ट कर लेना। देन गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पे इफेक्ट लगाना होगा इमेज सब पे। सो उसके लिए आपको क्या करना है, इस वाले प्रोजेक्ट से बैक चले जाना और देन इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट को ओपन करना और यहाँ पे कुछ इस टाइप से इफेक्ट देखने को मिलेगा। सिंपल से आपने इमेज पे टैप करना, इफेक्ट के ऑप्शन में थ्री डॉट पे जाकर कॉपी इफेक्ट करना, इस वाले प्रोजेक्ट से बैक करना, बिटमार्क वाले प्रोजेक्ट में चले जाना और जाने के बाद गाइस यहाँ पे जितने सारे भी इमेज उन सब पे आपको सिंपल से पेस्ट कर देना एक एक करके। सो इमेज पे टैप कर इफेक्ट के ऑप्शन में थ्री डॉट पे जाकर पेस्ट, इमेज पे टैप कर इफेक्ट के ऑप्शन में थ्री डॉट पे जाकर पेस्ट, इमेज पे टैप कर इफेक्ट के ऑप्शन में थ्री डॉट पे जाकर पेस्ट। सो इसी टाइप से गाइस हम क्या करना, आपको सब पे पेस्ट कर लेना और फाइनली आपका जो वीडियो बन के तैयार हो जाएगा। सो इसको एक्सपोर्ट करने के लिए आपको सेटिंग पे टैप करना और यहाँ पे फ्रेम रेट को 60 जरूर से करें। देन सेटिंग के राइट साइड में आइकन उस पर टैप करें, वीडियो पे टैप करें, एक्सपोर्ट पे टैप करें तो एक्सपोर्ट हो जाएगा, और जिनका एक्सपोर्ट नहीं हो रहा वो गाइस क्लैरिटी को लो करें। सो उसके लिए आपको क्या करना, यहाँ पे एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे टैप करना और वीडियो के आगे एरोस उस पे टैप करें और यहाँ पे जो है रेजोल्यूशन वगैरह कम करने का ऑप्शन कम करें और देन यहाँ पे क्वालिटी वगैरह भी कम कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कम कर ले, देन एक्सपोर्ट पे टैप करें तो एक्सपोर्ट हो जाएगा। सो गाइस कुछ इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर ले, कैसे लगे आज के वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दियो, मेरे चैनल पर नहीं है पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो मैं मिलता हूं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।